हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरी इस नई वीडियो में। इन दिस वीडियो वी विल आइडेंटिफाई द इम्पॉर्टेंट लेवल्स ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर टुमारो। आज की इस वीडियो में हम डिटेल पे एनालिसिस करने वाले हैं कल के होने वाले इम्पॉर्टेंट लेवल्स पर। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए चलते हैं हम एंजल वन की एप्लीकेशन में। आप देख पा रहे हैं हम एंजल वन के होम पेज में आ चुके हैं। यहाँ पे नीचे आपको स्क्रॉल करना होगा। स्क्रॉल करने के बाद आप देख पा रहे हैं आपको ये बैनर शो हो रहा होगा इंस्टा ट्रेड FNO का। आपको इस बैनर पर टैप करना होगा। टैप करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको नजर आएगा। यहाँ पे ट्रेडिंग करना काफ़ी आसान हो जाता है क्योंकि हम सेम विंडो पे चार्ट एनालिसिस कर सकते हैं, ऑर्डर लगा सकते हैं, कॉल बाय कर सकते हैं, पुट बाय कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैंडल स्टिक यहाँ से लगा सकते हैं, और तो और आप अपना फेवरेट इंडिकेटर भी यहाँ से लगा सकते हैं। यहाँ से आप टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी पोजीशन का प्रॉफिट एंड लॉस भी आप सेम विंडो पे देख सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एडुकेशनल पर्पस के लिए है। किसी भी स्टॉक या शेयर का रिकमेंडेशन इस वीडियो में नहीं है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। हमने कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को असाइन कर रखा है, जिसमें हमारा पहला रेजिस्टेंस है 18,100 का, दूसरा है 18,170 का, और तो और तीसरा है 18,270 का। साथ ही में आप देख पा रहे हैं हमारा पहला सपोर्ट है 17,890 का, और दूसरा सपोर्ट है 17,730 का, और तीसरा सपोर्ट है 17,581 का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मार्केट आज हमारे पहले सपोर्ट से लेके हमारे पहले रेजिस्टेंस के बीच में ही ट्रेवल किया है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो ये कहना गलत नहीं होगा अगर कल मार्केट गैप अप होके ओपन होता है तो हमारे पहले रेजिस्टेंस को क्रॉस कर सकता है, जिसमें हमें कल भी बुलिश ट्रेंड देखने की संभावना मिल सकती है। और अगर इन केस कल के डेट में अगर मार्केट गैप डाउन होके ओपन होता है तो हमारे पहले सपोर्ट को ये क्रॉस कर सकता है, जिसमें हमें बेयरिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है। ये तो बात हो गई निफ्टी की। अब साथ ही साथ हम बैंक निफ्टी को भी चेकआउट कर लेते हैं। बैंक निफ्टी को चेकआउट करने के लिए बैंक निफ्टी पे टैप करूंगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने बैंक निफ्टी में भी कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को असाइन कर रखा है, जिसमें हमारा पहला रेजिस्टेंस है 41,803 का, हमारा दूसरा रेजिस्टेंस है 42,018 का, एज वेल एज हमारा तीसरा रेजिस्टेंस है 42,762 का। साथ ही साथ हमारा पहला सपोर्ट है 41,460 का, उसके बाद हमारा सेकंड सपोर्ट है 41,155 का, और हमारा तीसरा सपोर्ट है 40,604 का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी का मार्केट हमारे सपोर्ट 1 एंड सपोर्ट 2, सपोर्ट 1 जो कि है 41,460 और सपोर्ट 2 जो कि है 41,155 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा था। इसको थोड़ी सी हाइप मिलने के बाद ये हमारे सपोर्ट 1 को क्रॉस करते हुए हमारे रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ रहा था। इस पॉइंट से एक बेरिश ट्रेंड मिलने की संभावना दिख रही थी। इस पॉइंट से हमें ट्रेंड रिवर्सल देखने की संभावना मिल रही है, और इन केस अगर मार्केट रिवर्स ट्रेंड लेके नीचे की तरफ सस्टेन कर जाता है और हमारे पहले सपोर्ट को क्रॉस कर जाता है तो हमें बेरिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अगर बुलिश ट्रेंड देखने को मिले तो बाय कॉल करना है, और अगर बेरिश ट्रेंड देखने को मिले पुट बाय करना है। पुट बाय करने के लिए मैं पुट बाय पे एक बटन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे आपको स्ट्राइक प्राइस शो हो रहा होगा। आप अपने स्ट्राइक प्राइस को चूज़ करके नीचे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा ऑप्शन नज़र आएगा जहाँ पे आपको एंटर लॉट साइज पूछ रहा है। जो भी लॉट को आपको लेना है आप उस पर टाइप करेंगे। मुझे 2 लॉट लेना है तो मैं 2 टाइप करूँगा। उसके जस्ट नीचे आपको लिमिट ऑर्डर एंड मार्केट ऑर्डर का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। जिस भी ऑर्डर में आपको लेना है आपको उसको टॉगल को वहाँ सेट करके आगे प्रोसीड करेंगे। मुझे लिमिट में लेना है तो मैं लिमिट पे सेट करके आगे प्रोसीड करता हूँ। नीचे आपको बाय का बटन दिख रहा होगा। बाय के लिए बाय के बटन पे क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ कन्फर्म बाय। कन्फर्म पे क्लिक करते सहित आपका ऑर्डर सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो गाइस, आप भी इसी तरह एंजल वन में इंस्टा ट्रेड की मदद से अपने ट्रेड को प्लेस कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें एंड शेयर करें, और अभी तक आपने एंजल वन एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो अभी जाके डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, और अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को इन्हेंस करिए।